हाय फ्रेंड्स, ये बेसन और हल्दी का दूध आप जो देख रहे हैं, ये जितना देखने में हेल्दी है, ये पीने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। साथ ही ये इम्यूनिटी बिल्डअप का भी काम करता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा। स्वागत है आप सभी का इंडियन रसोई का जायका में। आज मैं आप लोगों के लिए बेसन और हल्दी का दूध लेकर के आई हूँ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। कढ़ाई रख दिया गरम होने के लिए। अब इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल हमारा जैसे गरम होता है उसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी तोड़ करके। इसके बाद आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालते हैं। मसाले जैसे हमारे भुनते हैं इसमें आधी छोटी चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डाल करके तेल में बस मिला लेना, इन्हें ज़्यादा भूनना नहीं है हमें। जैसे ही तेल में मिक्स हो जाता है हल्दी, यहाँ पर मैं लगभग 1 बड़ा चम्मच बेसन ली हूँ। बेसन को इसमें डाल देते हैं और इसके बाद इसको हम भून लेते हैं। इसे हमें स्लो फ्लेम पर लगभग 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है बेसन को। फ्लेम का आप ज़रूर ध्यान रखिए, हाई फ्लेम पर बेसन हमारे जल जाएंगे, तो लो फ्लेम पर आप इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। इसमें से जब भीनी भीनी सी खुशबू आने लगती है ना, तो हमारा जो बेसन है वो भुन करके तैयार हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो ये सौंधी सौंधी सी जो खुशबू आती है ये पूरे दूध में मिक्स होती है, तो ये पीने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर ये आप जैसा कि देख रहे हैं भुन चुका है हमारा बेसन। तो अब यहाँ पर लगभग 1.5 कप के करीब मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ। और दूध आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालते रहेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो दूध, अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो आधा कप पहले डाल करके अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर आधा कप डालिए। इसे छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाते हैं, गुठलियाँ, जो कि दूध हमारा ख़राब कर देता है। तो इस तरीके से मिक्स करते रहिए ताकि गुठलियाँ ना पड़ें। तो आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं लगभग 2 चम्मच गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ को मैंने ग्रेट करके लिया है। मीठा आपको जैसा पसंद हो आप उसी हिसाब से डालिए। आप इसमें गुड़ की जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे बॉईल होने देते हैं हम अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे बॉईल करना है मीडियम फ्लेम पर। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा बेसन भुन चुका है, बस दूध को हमें थोड़ा सा पकाना है। तो आप इसमें देख रहे हैं सारी हेल्दी चीज़ें मिक्स हुई हैं, जिसमें अजवाइन है, इसमें सरसों का तेल है, इसमें हल्दी है, इसमें दालचीनी है, जो कि बहुत अच्छा होता है अगर आपको कफ़ और कोल्ड है तो। ये आप इसे बना करके पीजिए, बहुत अच्छा रिलीफ देता है उसमें। तो आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट हो चुका है पकते हुए, तो दूध भी हमारा हल्का सा यहाँ पर देख रहे हैं आप गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो अच्छे तरीके से दूध हमारा पक चुका है। गैस का फ्लेम अब यहाँ पर हमें ऑफ़ कर देना है। बस दूध हमारा ये तैयार है बेसन का। इसे जब आप पियेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे बस मैं अब एक ग्लास में सर्व कर लेती हूँ। आप इसे एक बार ज़रूर बना करके इस सर्दियों में ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी बनी है। तो ये रहा मेरा आज का मसाला बेसन दूध। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में, तब तक ले स्टे हैप्पी बी हेल्दी।